हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं रेन वाटर ड्रॉप्स ऑन विंडो ग्लास। यहाँ पे जो हमने पेज सेलेक्ट किया है उसका डायमेंशन आप देख सकते हैं जो कि 15x11 है, मतलब छोटा पेज लिए है, इसे जल्दी बन जाएगा। छोटा पेज में टाइम कम लगते हैं और साथ ही साथ रिजल्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आते हैं, तो छोटा पेज आप भी सेलेक्ट करें। बड़ा पेज पे भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बस टाइम वहाँ पे ज़्यादा लगेंगे। तो अभी हम लोग बनाएंगे यहाँ पे विंडो। तो विंडो जो हम लोग सिंपल सा एक विंडो ले रहे हैं जहाँ पे तीन पार्ट में बांट देंगे इसको। तो 15 सेंटीमीटर का है तो इसको मार्क कर लेते हैं। 5x5 सेंटीमीटर पे अगर मार्क करेंगे तो थ्री पार्ट में ये डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद इस पर एक मास्किंग टेप चिपका देंगे। तो इसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, मार्क करेंगे 5 सेंटीमीटर पे। अब मास्किंग टेप को पतला पतला स्ट्रिप में कट करेंगे। इस पे हम लोग पहले हार्ड ऑब्जेक्ट पर चिपका लिए और यहाँ पे स्केल की मदद से इसको कट करेंगे। ये ड्राइंग बनाने के लिए हमने सेलेक्ट किए हैं चार कलर, वाइट है, ब्रिलियंट ब्लू है, प्रूशियन ग्रीन है और सैप ग्रीन है। तो कोशिश करेंगे कि बैकग्राउंड रेनी सीजन वाला क्रिएट करें। रेनी सीजन में जैसा वेदर होता है वैसा बैकग्राउंड क्रिएट करने का कोशिश करेंगे यहाँ पे। और ऊपर में जो है शीशा रहेगा जो कि शीशा के ऊपर वाटर ड्रॉप्स वगैरह गिरते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ब्लर जैसा पीछे में जो होगा वो ब्लर जैसा बैकग्राउंड क्रिएट करना होगा और उसके बाद वाटर ड्रॉप क्रिएट करेंगे। तो पहले हम लोग बैकग्राउंड का काम कर लेते हैं, उसके बाद वाटर ड्रॉप वाले काम करेंगे। तो यहाँ पे दो कलर को मिक्स करके हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, ब्रिलियंट ब्लू और प्रूशियन ग्रीन। ये दो कलर को हम लोग बैकग्राउंड में चलाएंगे, हल्का हल्का चलाना है। यहाँ पे दोनों का मिक्सचर होगा, कहीं कहीं पे मिक्स कर लेंगे। और एकदम लाइटली आपको बस होल्ड किए रहना है, प्रेशर लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। पेज पे आपको प्रेशर नहीं लगाना है ऑयल पेस्टल की मदद से, बस नॉर्मली आप इसको ऑयल पेस्टल चलाते जाइएगा। अभी बहुत कुछ इस पर करना है। अब यूज़ करेंगे हम लोग नेक्स्ट कलर प्रूशियन ग्रीन। एक साइड हम लोग कोशिश करेंगे कि डार्क रखें और एक साइड लाइट रखने का कोशिश करेंगे। तो इधर जो होगा डार्कर होंगे और उधर लाइटर रहेगा। इस साइड डार्क दे दिए, देख सकते हैं आपके डार्क दिख रहा होगा और इधर लाइट दिख रहा होगा। तो इसको और लाइट बनाना होगा, तो इसको वाइट कलर भी यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। पूरा जो है ब्लर टाइप का बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे यहाँ पे। अब इसको करते हैं ब्लेंड। बैकग्राउंड को और ज़्यादा स्मूथ बनाएंगे। स्मूथ बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे वाइट कलर। जहाँ पे हमको डार्क कलर का ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे डार्क कलर भी यूज करेंगे। जैसे इस साइड का पोर्शन हमने बताया था कि लाइटर रखेंगे, हल्का कलर का रखेंगे, जबकि इधर का हमने बोला था कि डार्क रखेंगे। तो उधर ऑयल पेस्टल जो है वाइट वाला नहीं यूज करेंगे, उधर दूसरा ऑयल पेस्टल यूज करेंगे और इसको मिला लेंगे, फिर ब्लेंड कर लेंगे। इधर का हमको डार्क रखना है। देखते हैं हाथ से ब्लेंड करके, फिंगर से ब्लेंड करके देखते हैं कैसा आता है। तो फिंगर से अच्छा ब्लेंड हो रहा है तो फिंगर से ही इसको मिला लेते हैं। बस एकदम यूनिफॉर्म दिखना चाहिए, ब्लर टाइप का बैकग्राउंड यहाँ पे दिखना चाहिए। नीचे का थोड़ा लाइटर बनाना है यहाँ पे, क्योंकि दूसरा कुछ पोर्शन यहाँ पे कवर करेंगे, जैसे रोड वगैरह बनाएंगे, विंडो के बाहर एक रोड दिखाई देगा इधर। तो इसको थोड़ा लाइट कलर दिए यहाँ पे, या फिर बाद में इसका जो भी करना होगा हम लोग बाद में कर लेंगे।
बैकग्राउंड जो था वो बन चुका है। अब इसके ऊपर बुशेज बनाएंगे, झाड़ी वगैरह बनाने का कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं सैप ग्रीन कलर, और इससे पहले अगर हो सके तो प्रूशियन ग्रीन जो है ये अप्लाई कर दिया जाए तो बेहतर होगा। इतना सा बुशेज वगैरह बनाएंगे ये सब रीजन में। और इसको फिंगर से ब्लेंड कीजिएगा। इसके बाद बारी है सैप ग्रीन का। इसको और ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए हम लोग ब्लैक यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप भी ब्लैक यूज करें, इससे ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा, बुशेज जो है वो रियल जैसा दिखेगा। और ये वाला पोर्शन जो है इसको रोड जैसा बनाने का कोशिश करेंगे, लगेगा कि रोड है यहाँ पे, और रिफ्लेक्शन के कारण ये वाइट दिख रहा है या फिर स्काई का रिफ्लेक्शन इस पर पड़ रहा है, तो इस कारण से ये वाइट दिखेगा। और यहाँ पे कुछ और बुशेज वगैरह बनाते हैं ग्रीन टाइप का बुशेज, तो इसके लिए यूज करेंगे हम लोग ग्रीन कलर। तो ग्रीन का शेड्स वगैरह ले लेते हैं, लाइट ग्रीन है, लीफ ग्रीन है, तो पहले हम लोग लाइट कलर चला लेते हैं, उसके ऊपर में हम लोग डार्क कलर चलाएंगे। इसके ऊपर यूज करेंगे हम लोग लीफ ग्रीन, और इसके ऊपर सैप ग्रीन, ब्लेंड कर लीजिएगा इसको भी। उसके बाद ब्लैक यूज कर लीजिएगा ऊपर में, एंड ब्लेंड कर देना इसको भी। ये भी ब्लर्ड टाइप का बन चुका है, बुशेज जो है वो ब्लर्ड दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रेनी सीजन में विंडो से जब भी आप कुछ बाहर दिखिएगा तो वो ब्लर्ड ही दिखता है, ब्लर्ड बैकग्राउंड होना चाहिए, जानबूझ के हम लोग ऐसा क्रिएट कर रहे हैं। जब हम ये ड्राइंग बना रहे थे उस समय मेरे माइंड में था कि यहाँ पे रोड जैसा कुछ बनाएंगे और पीछे में बुशेज वगैरह होगा, लेकिन जब बनने के बाद देख रहे हैं तो यहाँ पे लग रहा है ऐसे कि ये वाटर वाला पार्ट है, ऐसा लग रहा है कि वाटर है, और ऊपर का जो स्काई है उसका रिफ्लेक्शन नीचे आ रहा है। तो जैसा हम लोग को बना है उसी हिसाब से इसको वाटर वाले पोर्शन कवर कर देते हैं, मतलब इसको चेंज कर लेते हैं, जो भी माइंड में थॉट था उसको चेंज कर लेते हैं। इसका बीच से इस तरह से एक लाइन देंगे तो इससे क्या होगा कि ये रिफ्लेक्शन जैसा लगेगा। अभी थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, सीधा लाइन देना होगा। देखिए ड्राइंग बनाते समय जो भी आपके माइंड में आए उस तरह से आप नया कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, ड्राइंग वगैरह में कोई भी लिमिटेशन नहीं होते हैं, इसमें आप खुद से भी कुछ माइंड अप्लाई करें, ज़रूरी नहीं है कि जैसा रेफरेंस फ़ोटो है केवल वैसा बना दें, या फिर कहीं से आइडिया आया सिर्फ वैसा ही बनाना है। अगर आप चेंज करना चाहें बनाते समय भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक यूज कर रहे हैं यहाँ पे शार्प ऑब्जेक्ट, और इसको बस यहाँ से एक लाइन देना है इस ऐसे, तो यहाँ से स्टार्ट किए ऐसे लाइन दे दिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा और मोटा करने के लिए यूज कर रहे हैं इसको।
ये आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि वाटर का रिफ्लेक्शन आ रहा है इस सब में। इस तरह से वाटर का भी इफेक्ट आ जाएगा, नीचे की तरफ खींच दीजिएगा आप फिंगर से, तो ऐसा लगेगा कि वाटर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो फाइनली ये काम हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे वाटर ड्रॉप्स, जो कि जो एज्यूम किए थे कि ऊपर में ग्लास होगा और उसके ऊपर में वाटर ड्रॉप होंगे, रेन ड्रॉप्स लगा हुआ होगा, तो वो बनाने का आप कोशिश करेंगे। वाटर में रियलिस्टिक इफेक्ट अगर देना है तो यहाँ पे शार्प ऑब्जेक्ट से इस तरह से हल्का हल्का कहीं कहीं पर दे दें। चलिए इसके बाद हम लोग बनाते हैं रेन ड्रॉप्स। मेरा एम है कि आपको बिगनर से एडवांस की तरफ ले चलें, इसलिए जो है लेवल धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे केवल हमको ये बताना था कि ग्लास पे कैसा वाटर ड्रॉप दिखता है। अगर चाहते तो सिंपल सा बस सिर्फ वाटर ड्रॉप्स बनाकर दिखा देते, लेकिन यहाँ पे हम लोग नया नया चीज़ सीखे हैं, जैसे कि ब्लर बैकग्राउंड अगर बनाना है तो उसके लिए कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, अगर रिवर या कह सकते हैं लेक जो होगा एकदम रियल जैसा दिखाना है तो वो कैसे बना सकते हैं, और इसके अलावा रेनी सीजन में कैसा मौसम होता है या रेनी सीजन का ड्राइंग है, तो बहुत सारे चीज़ यहाँ पे हम लोग सीखे हैं। अब हम लोग बना रहे हैं वाटर ड्रॉप, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा कैसे, पहले हम लोग पेंसिल के मदद से मार्क कर देंगे कि वाटर ड्रॉप कहाँ कहाँ पे हमको देना है। कोई छोटा छोटा बड़ा हर एक साइज़ का वाटर ड्रॉप्स बनाइएगा। तो इस तरह से वाटर ड्रॉप्स भी हम लोग बना लेंगे। अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इस पर भी और भी वर्क करना है। हर साइज का वाटर ड्रॉप बनाएं और हर जगह पे बनाना है, कोई एक जगह पे ज़्यादा या कम नहीं, हर जगह पे इसको बनाते जाना है। टिश्यू पेपर को हम फोल्ड कर रहे हैं, देखिएगा कैसे फोल्ड कर रहे हैं, और ये पॉइंटेड बनाने का कोशिश कर रहे हैं, इसका यूज करेंगे अभी हम लोग। ये चीज़ जो पॉइंटेड बना है, एक आता है ब्लेंडिंग स्टम्प जो कि पेपर का बना हुआ रहता है, सेम चीज़ रहता है, टिश्यू पेपर का ही रहता है वो, और इस तरह से ब्लेंडिंग स्टम्प मिलता है, वो 150-200 रुपये का पड़ेगा, और ये आप फ्री में बना सकते हैं टिश्यू पेपर आपके पास है तो। इसके मदद से हम लोग ऐसे अंदर की तरफ जो है इसको ब्लेंड करेंगे, जो पेंसिल अप्लाई किए थे उसको ब्लेंड कर रहे हैं अंदर की तरफ, और ज़्यादा रियल दिखेगा अभी यहाँ पे जो ड्रॉप्स है वो रियल दिखेगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं।
अब यूज कर रहे हैं वाइट कलर कहीं कहीं पे हाइलाइट्स देने के लिए। इसके अलावा भी और ड्रॉप्स बनाएंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे वाइट एक्रेलिक पेंट। क्योंकि कहीं कहीं पे इस तरह से जो ब्लैक पोर्शन था वहाँ पे जो बनेंगे ड्रॉप्स वो वाइट कलर के दिखेंगे, क्योंकि ब्लैक पे अगर हम लोग पेंसिल चला देंगे तो दिखेगा भी नहीं, तो इसलिए हम लोग ऐसे यूज कर रहे हैं वाइट से। इससे कहीं कहीं पे बस हाइलाइट्स देना है, जैसे होता है ना कि साइन करता है, तो ये भी साइनिंग इफेक्ट देने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। जैसे वाटर ड्रॉप पे हल्का हल्का कहीं पे साइन दिखता है तो उसके लिए यूज कर रहे हैं। कुछ और छोटा छोटा यहाँ पे इसे बना देते हैं, जैसे लगेगा कि ऊपर से गिर रहा है। सो फाइनली जो है ये भी काम हो चुका है। अब लास्ट एक वर्क बचा हुआ है जो कि विंडो वाला काम करेंगे, उसके बाद टेप रिमूव कर लेंगे। तो विंडो देने के लिए हम लोग दो लाइन यहाँ पे खींचेंगे एल के शेप में, एक इधर दिए और एक नीचे की तरफ दिए। तीनों में सेम चीज़ हम लोग रिपीट करने वाले हैं, एक इधर दिए और एक लाइन की तरफ ही चलना है, लाइन से हट के नहीं जाना है। दो हो गया और एक ये वाला पैनल जो है, तो यहाँ पे लाइन देते समय ध्यान दे कि इधर उधर ना चला जाए, मेरे से भी थोड़ा सा इधर चला गया था तो गड़बड़ हो जाएगा। फाइनली हमारा जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे जो हमने विंडो बनाया है, यहाँ पे तीन पैनल है टोटल, देख सकते हैं। टेप रिमूव करेंगे उसके बाद रिजल्ट आपके सामने होगा। मास्किंग टेप रिमूव करने समय ज़रा सा भी आपको नहीं हड़बड़ाना है, क्योंकि पेज फटने का चांसेस रहते हैं, इसलिए आराम से इसको उखाड़ना है। इसके बाद ये वाला उखाड़ते हैं, एकदम धीरे धीरे उखाड़ते जाना है, बीच का है। कितना भी सावधानी से किए थोड़ा सा दिक्कत हो ही गया यहाँ पे, चलिए ठीक कर लेते हैं। अब बारी है साइड का रिमूव करने का, तो साइड का तो आसान तरीका है, बाहर की तरफ प्रेशर लगाइएगा, रिमूव हो जाएंगे। इस वीडियो में आपने सीखा रेन वाटर ड्रॉप्स ड्रॉ करना ग्लास पे, जो कि विंडो ग्लास है यहाँ पे, और इसके अलावा आपने सीखा ब्लर बैकग्राउंड क्रिएट करना और एक पीसफुल लेक बनाना भी सीखे हैं। तो एक ड्राइंग में बहुत सारे चीज़ हम लोग यहाँ पे कवर किए हैं, जैसे कि एक विंडो बनाना, तो विंडो बनाने के लिए किस तरह से हमने मास्किंग टेप को कट करके यूज किया, इसके अलावा वाटर ड्रॉप्स बनाना, फिर ब्लर बैकग्राउंड है, पीछे में जो बैकग्राउंड है वो ब्लर बैकग्राउंड है, रिवर लेक है, ये बहुत सारे एलिमेंट्स को हमने इसमें कवर किया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय।